ओके सो हे गाइस, वस्सअप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस हम कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका यूज करेंगे, जिन सभी का लिंक जो आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, आप सभी से जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस, एक चीज और कि गाइस आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो गाइस इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को, तो आप लोग यार मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना, क्योंकि गाइस अगर आप लोगों को कभी भी वहां पर कोई भी क्वेश्चन होगा एडिटिंग से रिलेटेड, तो गाइस आप लोग मुझसे वहां पे आके इजीली पूछ सकते हो। एंड गाइस, एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैं मेंशन करता रहता हूं, तो गाइस आप लोगों को उनमें से कुछ भी चीजें पसंद आए या ना आए तो गाइस आप मेरे को वहां पे बोल सकते हो। तो गाइस आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम होगी एडिटिंग से रिलेटेड तो मैं आप लोगों की वहां पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो जरूर करना, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूजर नेम, तो आप लोग मेरे को वहां पे एक बार आके चेकआउट जरूर करना। बाकी चले गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को इस बैकग्राउंड को ओपन करना गाइस पिक्सार्ट ऐप में, ठीक है, एंड इसको डाउनलोड भी कर लेना आपको पहले ही, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है। अब गाइस देख मॉडल का गाइस जो है पोज देख लो आप लोग यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, आपको इसी टाइप का पोज देना है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद जो फोटो क्लिक करवा लेना है, एंड उसके बाद आपको उसका बैकग्राउंड रेज करना है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड रेज करना है, उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे ड्रॉ टूल का यूज़ करना है। एंड इसके ऊपर गाइस मैंने एकदम पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है गाइस, ठीक है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगा, है ना गाइस। तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि आप लोगों को जो है इजीली पता चल जाए, ठीक है। तो आपको इरेजर वाला ऑप्शन जो है दिख रहा है गाइस, यहाँ से आप जाके इजीली इरेज कर सकते हो, तो आप लोग एक बार जाकर वीडियो देख लोगे तो गाइस आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो बाकी यहाँ से गाइस मेरे को थोड़ा वीडियो को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। तो यहाँ से हम डायरेक्ट में बैकग्राउंड को ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, यहाँ से हम जाएंगे ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाएंगे गाइस, एंड जिस बैकग्राउंड को हमने इरेज किया है मॉडल का उसको मॉडल को ऐड करेंगे, ठीक है। एंड उस मॉडल को यहाँ पे ऐड करने के बाद जो है गाइस हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड गाइस आप लोग एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना कि गाइस आपका जो मॉडल है वो जो साइड में जो पिलर दिख रहा है गाइस आपको उसके जो है साइड में मतलब कि ज़्यादा उसको मतलब टच में ना हो, ठीक है, क्योंकि गाइस पिलर के हमें उस साइड रखना है मॉडल को। जैसे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गर्ल है वो पिलर के उस साइड है पीछे की तरफ, ठीक है, तो आपको वैसे ही रखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड बाकी जो आपको जो मतलब कि जो लड़की है जो मॉडल उसने जो हाथ में जो थाली पकड़ रखी है वो पूजा की, उसको आपको गाइस वहाँ पे जो है उस तरीके से आपको उस टाइप से वहाँ से जो है रेज करके रखना है, ठीक है, क्योंकि थाली को जो आगे की तरफ दिखाना है क्योंकि लड़की जो है आगे की तरफ खड़ी है, ठीक है। तो आपको जो भी मतलब आगे का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको रेज कर लेना है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा फटाफट करता हूँ यहाँ पे, फिर आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। सो गाइस आप लोगों को जब इस तरीके से आपका इरेज हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है गाइस कि आप लोगों को जो है मतलब कि इरेज करते वक्त आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इसको इरेज करोगे तो गाइस आप लोगों को जितना टाइम लगेगा आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि यार टाइम लग रहा है इसको इरेज करने में, कोई शॉर्टकट की होती तो हम उससे वैसे कर लेते हैं। तो गाइस देखिए कि एडिटिंग में जितना ज़्यादा टाइम लगता है ना वो मतलब फोटो उतनी ज़्यादा अच्छी एडिट होती है, तो आप लोग जो है थोड़ा टाइम देके अच्छे तरीके से आप लोग इरेज करना, एंड एक एक पार्ट को आप ध्यान से देखना कि मतलब कोई एक्स्ट्रा पार्ट रह तो नहीं रहा, क्योंकि गाइस अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है और बाद में आप लोग डन करते होते तो गाइस बाद में क्या है कि आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो आप लोग जो है पहले अच्छे से एक बार देख लेना कि आपका मॉडल का जितना भी पार्ट है वो इरेज हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर कुछ पार्ट रह जाता है तो आप उसको वापस भी इरेज कर सकते हो, बट वाइज डन करने से पहले ऐसा देख लेना, डन करने के बाद नहीं। तो जैसे गाइस देख सकते हैं मेरे को यहाँ से भी थोड़ा इरेज करना था, अगर मैं डन कर देता तो गाइस क्या होता कि फिर मेरे को अंडो करके दोबारा ऐड मॉडल को ऐड करके फिर इरेज करना पड़ता सारा एरिया, तो यहाँ पे मैंने पहले ही देख लिया, ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ देखना है। एंड बाकी गाइस देखिए यहाँ पे इरेज हो चुका है, तो हम जो है यहाँ पे इसका जो स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है, एंड बाकी जो ओपेसिटी बढ़ा के एंड डन कर लेते हैं फोटो को। अब गाइस देखिए यहाँ पे ऐड फोटो पर जाएंगे एंड एक पीएनजी और ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये पीएनजी नहीं है तो मॉडल है, तो यहाँ पे नीचे की साइड से मॉडल को उठा पीएनजी को उठा लेते हैं एंड ऐसे ऐड पे करेंगे। एंड ऐड करने के बाद क्या करेंगे इसको हम यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देंगे, तो यहाँ पे परफेक्ट है गाइस, ठीक है, तो आप लोग इस पीएनजी को भी ऐड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना यार, क्योंकि यार आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो बाकी गाइस चलिए आपका क्या करना है आप सभी को, इसमें आप देखिए गाइस हमारा पिक्सार्ट का काम यहाँ पे हो जाता है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, अब जो है हम यहाँ पे मतलब कि इसको सेव करेंगे यहाँ पे फोटो को, क्योंकि गाइस अब हमें जो भी काम है हम उसको अब लाइटरूम में कर लेंगे, तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि गाइस पिक्सार्ट में ज़्यादा एडिटिंग नहीं हो पाती है, मॉडल वॉडल लग जाते हैं तो बहुत है, ठीक है। तो आप देखिए गाइस हमने यहाँ पे ऐड कर लिया लाइटरूम में, तो हम यहाँ से लाइट में जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को हम यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट्स जो है गाइस इसको हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड जो वाइट है इसको कम करेंगे, एंड जो ब्लैक्स है इसको भी कम करेंगे,
फिर कलर्स में जाएंगे। कलर्स में जाने के बाद हम यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा। एंड उसके बाद जो टेम्परेचर है चाहो तो कम कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। फिर चाहेंगे मिक्स में या ऑरेंज कलर लेंगे, इसका जो ल्यूमिनस है अगर फोटो में ब्राइटनेस ज़्यादा हो तो कम कर सकते हो, अदरवाइज कम ही है तो आप बढ़ा भी सकते हो, अगर ज़्यादा हो तो कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डार्क ब्लू में जाएंगे, सैचुरेशन माइनस करेंगे, ल्यूमिनस भी माइनस करेंगे, जो पेंट का कलर हो थोड़ा सा डार्क हो जाए। फिर रेड कलर लेंगे, ह्यू माइनस करके सैचुरेशन प्लस कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम ग्रीन कलर लेंगे, इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देंगे क्योंकि फोटो में तो ग्रीन कलर है ही नहीं। और येलो कलर है पीछे, आपको दिख रहा होगा गाइस, तो यहाँ पे येलो कलर में जाके ह्यू माइनस कर देंगे। फिर यहाँ से नीचे वाले टूल में जाएंगे, यहाँ से हम फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देंगे, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देंगे ताकि फोटो में जो एक मतलब कि डार्कनेस आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ग्रे अमाउंट नहीं बढ़ाएंगे, नीचे वाले टूल में जाएंगे, शार्पनेस बढ़ा देंगे, एंड जो नोड रिडक्शन हम इसको बढ़ा देंगे, एंड जो कलर नोड रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।